तो अभी तक जो हम लोगों ने बात करी वो थी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस रजिस्टिविटी लोग पहले से ही जानते हैं कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस और ये जो कंडक्टिविटी होती है इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते थे है ना? तो ये तो एक जनरल हो गया दो टाइप की और कंडक्टिविटीज आप देखोगे एक होगा मोलार कंडक्टिविटी एंड एक होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो इसमें भी एक बार आते हैं जरा पहला है मोलार कंडक्टिविटी द फर्स्ट वन इज कंडक्टिविटी इसको हम लोग लैमडा एम से शो करते हैं This is represented by एम. क्या है ये मोलार कंडक्टिविटी एक बार इसका आप डेफिनेशन देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा मोलार कंडक्टिविटी तो मोलार कंडक्टिविटी लैमडा एम इज द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी

फॉर्मूला है देखिए क्या है कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्यूट इन्यूम ऑफ दूशन देखिए यह हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ओके इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑब्वियसली होगा क्या इलेक्ट्रोलाइट होगा एंड सोलवेंट होगा मिला जुला करके इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा एक सोल्यूशन इसके अंदर क्या है सोल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन है, इसका आपको वो वॉल्यूम लेना है इस सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम लेना है जिसमें एक मोल ऑफ सोल्यूटो जिसमें एक मोल ऑफ सोल्यूटो जिसमें एक मोल ऑफ सोल्यूटो फिर से एक बार समझो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ सॉल्यूट मोलर देखो नाम में ही आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ सोल्यूट एक मोल सोल्यूट एक मोल सोल्यूट जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं उसी को मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं एक मोल सोल्यूट जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम लोग मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं राइट अच्छा तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इनटू वी दैट मींस ये जो है के के क्या होता है के होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये जो के है ये क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग शॉर्ट में कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इनटू वी क्या है वी इज द वॉल्यूम वॉल्यूम किस में लेना है इन द एमएल व्हिच कंटेन व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक एग्जांपल से समझिए जैसे मैं आपको बताता हूं मान लो कि यहां पर बोल रखा है कि ना नाइव मोल्स ऑफ एनएसएल फाइव मोल ऑफ एनएसएल इज डिजोल्व इन लेट से आपको बोल रखा है पांच मोल एनएसएल है डिजोल्व हो रखा है ट्वेंटी लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या बोल रखा है सुनिए ध्यान से बोल रखा है कि पांच मोल ऑफ एनएसियल डिजोल्व है ट्वेंटी लीटर ऑफ सॉल्यूशन में एंड उसकी कंडक्टिविटी है मान लो टू यूनिट्स लेट से टू यूनिट्स उसकी कंडक्टिविटी है तो आपको पूछ रखा है कि बताइए उसकी मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी तो क्या होगा देखो मोलार कंडक्टिविटी इक्वल टू के आपको दिया है टू यूनिट इन टू वी वी वो वॉल्यूम होगा जिसमें एक मोल एनएसएल होगा याद रखिए ये बीस लीटर मत ले लेना यहां पर कि बोल रखा है कि पांच मोल्स डिजॉल्व है बीस लीटर में सॉल्यूशन आपके पास बीस लीटर है नो no. आपको वो वॉल्यूम लेना है जिसमें एक मोल एनएसएल हो तो जरा नोट करना पांच मोल बीस लीटर में है, पर आपको तो वो लेना डिवाइड तो एक मोल तो तो कितने लीटर में चार लीटर में तो यहां पर फोर लीटर मल्टीप्लाई होगा बात समझ में आई आपको वो वॉल्यूम लेना है जिसमें एक मोल डिवाइड हो मतलब एक मोल डिजॉल्व हो सॉरी एक मोल उसमें डिजोल्व हो राइट

डिवाइडेड बाय एम एम का मतलब क्या हो गया यहां पर मोलैरिटी का मतलब क्या है व्हाट इज इज द मोलैरिटी तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है अब सवाल आएगा कि कैसे कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो जरा यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन सुनो क्या होता है मोलैरिटी जब आप बोलते हो तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इन इन वॉल्यूम यही होता है मोलैरिटी है ना इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा एन डिवाइडेड बाय मोलैरिटी

अच्छा ये तो चलो लीटर्स में हो गया अगर मैं इसको एम में करूं वॉल्यूम इन एम क्यों क्योंकि देखो यार ये सेल इतना भी बड़ा नहीं होता कि आप लीटर्स में लो तो एमएल में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये जो एम है डिवाइड बाय हंड्रेड करना पड़ेगा मतलब एम सॉरी नॉट थाउजेंड करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको एम में चेंज करना होता है तो फिर डिवाइड बाय था क्योंकि मोलैरिटी तो मोल्स पर लीटर होती है याद है आपको मोलैरिटी क्या होती है मोल पर लीटर वो लीटर के टर्म्स में है तो अगर इसमें करना है आपको एम में चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा थाउजेंड ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय एम आ जाएगा है ना तो ये वॉल्यूम हो गया बस इसी चीज को आप यहाँ पे डाल देंगे ये देखो इस वॉल्यूम की जगह पर इसी चीज को डाल देंगे तो के इंटू थाउजेंड बाई एम ये बन जाएगा राइट तो ये दो अलग अलग फॉर्मूला है डिपेंड करता है कि क्या इनपुट है देखो के तो दोनों में ही है कंडक्टिविटी तो दोनों में ही दी हुई है अगर डायरेक्टली आपको वो वॉल्यूम दिया जिसमें एक है जिसमें मोल तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा लेकिन अगर मोलरिटी दी हुई है तो ये सेकेंड फॉर्मूला आपके काम आएगा और आपको पूछा जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ठीक है अच्छा यूनिट क्या बनेगा इसका वॉट विल बी दूनिट यूनिट क्या होगा लेमडा का तो इसका यूनिट आप निकाल सकते हो है ना कंडक्टिविटी का क्या होता है ओम का पावर माइनस वन सेंटीमीटर का पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय मोलारिटी क्या होती है मोल पर लीटर मोल पर लीटर अच्छा मोल पर लीटर तो तब था जब ये लीटर्स में था पर हम तो हर चीज एम में, में बात करें तो मोल सेंटीमीटर का पावर माइनस थ्री अच्छा जो जो यहाँ पर कट सकता है उसको कट करेंगे तो ये ओ का पावर माइनस वन ये तो ऐसे ही रहेगा है ना अच्छा मोल जो है ये ऊपर आ जाएगा मोल का भी पावर माइनस वन होगा सेंटीमीटर ये जो है सेंटीमीटर का पावर टू हो जाएगा सेंटीमीटर का पावर टू हो जाएगा तो ये इसकी यूनिट है इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल का पावर माइनस वन सेंटीमीटर का पावर टू आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है करेक्ट और राइट एक दो चीजें और है ये भी मैं आपको बता देता हूं सुनिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अगर आपने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डाइल्यूट करने की कोशिश की तो क्या होगा मतलब कि मैं यहां पे डाइल्यूशन को बढ़ाऊंगा क्या करूंगा मैं ये डाइल्यूशन को बढ़ाऊंगा तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या क्या इफेक्ट होता है तो अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा देखो ये ऊपर का एरो का मतलब क्या है बढ़ रहा है अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो याद रखना कंडक्शन बढ़ता है कंडक्शन बढ़ता है डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्शन बढ़ेगा क्यों क्योंकि ड्यू टू इज़ ऑफ या ड्यू टू ईज इन फ्लो ऑफ आइन ड्यू टू इज इन फ्लो ऑफ आइन ड्यू टू ईज इन फ्लो ऑफ आइन तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप डायल्यूशन बढ़ाओगे या कॉन्सेंट्रेशन को कम रखोगे जैसे वो एग्जाम्पल दिया था ना एक काम को करने के लिए पहले आपने दो तीन बंदे रखे फिर आपने वहां पर हजार लोगों को डाल दिया तो क्या हुआ हजार लोगों के बढ़ जाने से क्या हो जाता है फिर कोई मूवी नहीं कर पा रहे तो काम ही नहीं हो रहा है वही बात है यहाँ पे जब आप डायल्यूशन को बढ़ाओगे मतलब का मतलब क्या होता है? को कम करना, ना? ये बात जानते ना आप सॉल्यूट मतलब को बढ़ा रहे हो और डायलूशन का मतलब क्या कि आप सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हो मतलब आप जगह बड़ी कर रहे हो और कॉन्सेंट्रेट को बढ़ाने का मतलब लोगों को ज्यादा हायर कर रहे हो, ना जैसे देखो एक ग्लास में एक नींबू है तो आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन कम है उसी ग्लास में आपने चार पांच नींबू डाल दिया तो आपने बोल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया यार आपने ज्यादा खट्टा कर दिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो सॉल्यूट ज्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और अगर सॉल्वेंट बढ़ाते हो आप तो डायल्यूशन बढ़ता है तो कंडक्शन बढ़ता है कब जब आयंस का फ्लो होना आसान हो जाता है और आयंस कब फ्लो होंगे जब डाइल्यूशन ज्यादा होगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा क्योंकि एक बर्तन में कम पार्टिकल्स हैं कम आयंस हैं और दूसरे बर्तन में बहुत ज्यादा आयंस भरे पड़े है। तो सेकंड वाले में क्योंकि ज्यादा ज्यादा है है सेकंड वाले में इसका मतलब वहां पर डाइल्यूशन कम है इसकी वजह से ईज ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो करने का जो प्रोसेस होगा वो कम होगा इसके लिए कंडक्शन कंडक्शन कम होगा समझ गए जबकि उसके प्रीवियस वाले केस में यहां पर फर्स्ट वाले में इसका उल्टा होगा कॉन्सेंट्रेशन कम है डाइल्यूशन ज्यादा है फ्लो आसानी होगी और कंडक्शन बढ़ेगा तो नंबर वन चीज यह है नंबर टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं कंडक्टिविटी के साथ क्या किस्सा है कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं तो जानते हो के, के साथ क्या होता है के डिक्रीज हो जाता है डिक्रीज हो जाता है कि ना। ना, मतलब, मतलब, नहीं अगर रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रजिस्टिविटी होगा तो कंडक्टेंस डायरेक्टली होगा कि नहीं होगा हाँ सर एकदम बिल्कुल इक, बात सही कही आपने लेकिन जो एक्चुअली कंडक्टिविटी होता है अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे कंडक्टिविटी होता है ना के, इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका है conductivity क्या? Conductivity अब कि जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हो सुनो जब आप डायल्यूशन को इंक्रीज करते हो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया जब आपने डायल्यूशन को इंक्रीज किया डाइल्यूशन को इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बट जो नंबर ऑफ आयंस थे वो तो सेम रहे ना बट जो नंबर ऑफ आयंस थे वो तो सेम रहे नंबर ऑफ तो सेम हुए? आप चीज समझो इस बर्तन में मैंने 100 NaCl एन थे 100 NaCl का मतलब क्या हो गया इसके पास 100 एन प्लस होंगे है ना इसके पास 100 एन प्लस होंगे एंड 100 सी माइनस होंगे बराबर 100 सी माइनस होंगे अब इसका वॉल्यूम अगर मैं डबल कर देता हूं या ट्रिपल कर देता हूं तो नंबर ऑफ आइंस तो सेम ही है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी डाला है मैंने इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी डाला है इलेक्ट्रोलाइट तो जितने थे उतने ही है तो नंबर ऑफ आइंस तो उतने ही होंगे तो मैंने वॉल्यूम जब इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है तो ये याद रखिएगा डाइल्यूशन की वजह से कंडक्टेंस तो कंडक्शन तो बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना आसान हो जाता है लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि कंडक्टिविटी इज नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम बढ़ जाता है जबकि नंबर ऑफ आइंस कॉन्स्टेंट है तो के की जो वैल्यू है वो के की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है के की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ठीक है तीसरी चीज तीसरी चीज है यहां पर मोलार कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी एंड एक और पढ़ोगे आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जैसे मोलार पढ़ा वैसे ही एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है फर्क सिर्फ इतना है कि मोलर कंडक्टिविटी में आप वो वॉल्यूम लेते जिसमें के, के जिस वो हो जिसमें वन मोल है कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखें मोलार कंडक्टिविटी का तो ये क्या फॉर्मूला है के इंटू वी है अब आप एक चीज सोचो आपके मन में अभी एक डाउट आएगा कि सर जब डेल्यूशन बढ़ा तो आपने क्या कहा कंडक्टिविटी गिरी बट सर वॉल्यूम तो बढ़ा ना है कि नहीं अगर आपने डाइल्यूट किया तो कंडक्टिविटी बढ़ी क्यों क्योंकि सेकंड वाले केस में देखो कंडक्टिविटी गिर रही है तो कंडक्टिविटी गिरी और वॉल्यूम बढ़ा तो कंडक्टिविटी वॉल्यूम बढ़ा इसका मतलब लैम्डा एम तो सेम होना चाहिए मतलब मोलर कंडक्टिविटी तो सेम होनी चाहिए एकदम सही जवाब है आपका लेकिन यहां पर क्या होता है कि वॉल्यूम ज्यादा तेजी से राइज करता है मतलब के घटता है मान लो के आधा हो गया तो वॉल्यूम को डबल हो जाना चाहिए लेकिन वॉल्यूम ट्रिपल है तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ बढ़ा एक बात फिर से सुनो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है क्यों बढ़ती है क्योंकि जब आप डाइल्यूट करते हो के रिड्यूस हो जाता है अगर के टाइम्स रिड्यूस हुआ एंड वॉल्यूम एन टाइम्स बढ़ा तब तो सेम होना था अगर के की वैल्यू एन टाइम्स घटी है एंड वॉल्यूम एन टाइम्स बढ़ा है तब तो वो दोनों चीजें सेम होनी थी लेकिन अगर के एन टाइम्स घटा है और वॉल्यूम एन से ज्यादा टाइम बढ़ा है मतलब एन प्लस वन हो गया एन प्लस टू हो गया एन स्क्के टाइम्स है तो अल्टीमेटली बढ़ा ही ना इस वजह से क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि के तो कम हो गया वॉल्यूम बढ़ा बट बट या सिंस वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट है वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट है उसका इफेक्ट इज मच लार्जर उसका इफेक्ट इज मच लार्जर देन इफेक्ट ऑफ के देन इफेक्ट ऑफ के तो के जितना गुना कम होता है वॉल्यूम उससे ज्यादा गुना बढ़ता है के जितना गुना कम होता है वॉल्यूम उसके ज्यादा गुना बढ़ता है के बोलता है मैं दो गुना कम होगा वॉल्यूम बोलता है ठीक है मैं चार गुना बढ़ जाऊंगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट बढ़ा अगर के दो गुना कम होता वॉल्यूम दो गुना बढ़ता तब कोई फर्क नहीं आना था कॉन्स्टेंट होना था के अगर तीन गुना कम होता वॉल्यूम तीन गुना बढ़ता तो कोई रिजल्ट नहीं आना था के दो गुना कम हुआ वॉल्यूम तीन गुना बढ़ गया चार गुना बढ़ गया तो नेट रिजल्ट बढ़ जाता है और यही चीज इक्वीवैलेंट कंडक्टिविटी के साथ होती है इसके ऊपर क्या होता है एक्चुअली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा है ना या कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कंडक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा तो वो सारी वजह मैंने यहाँ पर आपको दे दी है तो एक तो पड़ा था हम लोगों ने मोलार कंडक्टिविटी और एक ये भी देख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम वैसा ही है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी

वैलेंट ऑफ सोल्यूट वन इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इज डिजॉल इन वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूरा का पूरा सेम है बस क्या है यहां पर फर्क फर्क है वन इक्वीवेंट का वहां पर वन बोला है यहां पर वन इक्वीवेंट है तो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला इसका सेम हो जाएगा लेमडा एम ये होगा

क्या यहां पर नॉर्मल ठीक है अच्छा जो यूनिट यहां पर बन के आएगी लेमडा की यूनिट क्या बन के आएगी तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा उसमें बस फर्क यहां पर यह है कि यहां यहां वहां पर क्या था मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है ना देखो न्यूमरेटर क्या होगा ओम का पावर माइनस वन सेंटीमीटर का पावर माइनस वन ये किसके लिए था के, के लिए था एन के लिए क्या आएगा इक्यू पर सेंटीमीटर क्यूब है ना बाकी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह बनेगा ओम पावर टू एंड लिख लेना और बाकी वो आप सकते हो, उसके बाद ये जो है ओम मतलब ये जो आपने मोह लिखा फिर वही साइनस के फॉर्म में भी ये चेंज हो जाएगा अच्छा आपको मैं एक और चीज यहां पर बता देता हूँ कि अगर आप रेशियो निकालोगे लेमडा एम बायडाई क्यू का

डा एम बाय लेडा ई क्यू इक्वल टू एन और ये जो एन होता है बट यू मीन बाय एन एन होता है एन को कहा जाता है एन फैक्टर मतलब ये जो एन है ये कहा जाता है इसको एन फैक्टर और इसको कहा जाता है वैलेंसी फैक्टर अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो मान लो आपको एन फैक्टर दिया हुआ है और आपको लेमडा इक्वी दिया हुआ है तो आपको बोलेगा कि मोलार कंडक्टिविटी निकालो बस एन की वैल्यू दिया, दिया है आपको एन पूछेगा सो दिस इज द रिलेशन फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ये जो फॉर्मुला है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू लैम्डा लेक्यू आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एम इक्वल टू एन इंटू लेमडा में लिखा जा सकता है ओके okay. अच्छा कैसे करना है? आपने ये तो लिख दिया फैक्टर कैलकुलेट कैसे करना है एन तो को कैलकुलेट करने, करने के लिए आपको देखना होगा टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एन टोटल चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन एन. एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं एग्जाम्पल अब जैसे आ, सवाल है यहां ये सवाल ले लीजिए कि एग्जाम्पल यह सीओ माइनस एन ए प्लस दूसरा सीओ माइनस के प्लस यहां पर लेमडाई क्यू विल बी इक्वल टू लैमडा M डिवाइडेड बाई टू ठीक है हो जाएगा ये जरा देखो क्यों क्योंकि यहां पर इस केस में इस केस में एन का वैल्यू टू निकल के आएगा इस केस में एन का वैल्यू टू निकल के आएगा क्यों फॉर्मूला तो है टू तो, तो यहां पर एन का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया तो बस लेमडाई क्यू इक्वल टू लेमडा एम बाई टू ठीक है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय टू एक और एग्जाम्पल जैसा देख लीजिए एग्जाम्पल है के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर फोर एस टू सपोज ये है एक आपको यहां पर पूछा है कि बताइए लेमडा ई क्यू और लेमडा एम में क्या रिलेशन है भाई लगा देंगे रिलेशन पर यहां पर एन तो पता हो पहले यहां पे एन तो पता हो क्या आएगा एन एन पता करने के 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 लिए सबसे पहले अब चार्जेस निकालेंगे. वाटर, वाटर 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 एक न्यूट्रल है, है है, ना? ऊपर क्या चार्ज होगा? होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहां पर, ये देखो पर, जो water है, water तो बिना के तो बिना ब्रेकडाउन होने वाला नहीं है लेकिन ये जो चीज है, यहां पर, K2SO4 Al2SO4, ये तो होता है ना क्योंकि ये तो प्लस वन का एल के ऊपर कितना होगा प्लस थ्री का होगा है ना बाकियों का भी आप लिख सकते हो जैसे SO4 के ऊपर क्या होगा टू माइनस एसओ इसके ऊपर कितना होगा टू माइनस तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करो तो कितना चार्ज बन रहा है तो K के ऊपर प्लस वन है तो वन इंटू टू प्लस एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है प्लस थ्री का थ्री इंटू टू देखो आपको सिर्फ कैटाइन देखना है एनाइन नहीं देखना देखा हाउएवर एनाइन को भी देखोगे तो भी रिलेशन वही आएगा किसी भी एक को देखो

Zero point zero one molar solution of an electrolyte of an electrolyte has a resistance of forty ohm in a cell forty ohm in a cell having In a cell having a cell constant of zero point four per centimeter, then its molar conductance in ohm minus one centimeter two. मोल पर मोल इस क्वेश्चन मार्क देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इन अ सेल हैविंग सेल कांस्टेंट ऑफ 0.4 पर सेंटीमीटर देन इट्स मोलार कंडक्टेंस इन ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इस तो जो जो चीजें पता है वो लिख देते हैं सबसे पहले हमको यहां पर क्या पता है मोलैरिटी मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.01 मोल पर लीटर है ना n क्या होता है मोल पर लीटर ही होता है ठीक है उसके बाद रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40 ओम दिया हुआ है सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 0.4 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है आपसे क्या पूछा है मोलार कंडक्टेंस लैम्डा m आपसे पूछा है है ना तो इसमें आप देखिए अगर हमको मोलार कंडक्टेंस चाहिए तो ये क्या फार्मूला है लैम्डा m का फार्मूला क्या है लैम्डा m इक्वल टू k ढूंढने तो अच्छा, को की कोशिश करते हैं मतलब पहले हमको चाहिए होगी उसके बाद तो हम मोलार कंडक्टेंस निकालेंगे ना तो भाई k कैसे निकालेंगे क्या k के, के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है ये हाँ एक फॉर्मूला ना k इक्वल टू वन बाई आर इन टू सेल कॉन्स्टेंट याद होगा तो क्या यहां से हम लोग के निकाल सकते हैं दैट मींस के विल बी इक्वल टू वन बाई फोर्टी इंटू सेल कॉन्स्टेंट कितना है जीरो पॉइंट फोर तो सॉल्व करने के बाद जो के का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन ओम पर सेंटीमीटर यहां से एक के निकल के आया राइट तो चलिए के तो आ गया दूसरा है वी वी का मतलब वो वॉल्यूम V का मतलब क्या हो गया ये देखो ये तो हमने निकाल लिया K का वैल्यू कितना है 0.01 V का मतलब वो वॉल्यूम जिसमें एक मोल डिजॉल्व है अगर आप इस मोलारिटी को नोटिस करें तो आप इसमें देखेंगे कि 0.01 मोल एक लीटर में डिजॉल्व है एक लीटर का मतलब कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, है ना जीरो में थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब है आपको चाहिए कि एक मोल हो जाए तो इसको एक मोल कर दो एक मोल कैसे करोगे आप Obviously, left side को multiply कर दो विध हंड्रेड तो राइट right साइड को भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वन मोल कितने में होगा वन जीरो 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 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बस मिल गया अब यहां पे वैल्यू डाल दो वन जीरो 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 सेंटीमीटर क्यूब तो सोल्व करने के बाद क्या होगा दो जीरो से कैंसिल दो जीरो यहां से कैंसिल तो कितना आ जाएगा टेन टू द पावर थ्री पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया एम की वैल्यू आ गई देखो मोलर कंडक्टेंस निकालने का बोला था मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वो वॉल्यूम जिसमें एक मोल डिजोल्व है तो पहले तो हमने के निकाल लिया इस फॉर्मुले से कि एक लीटर देखा? देखा में क्योंकि यही तो मोलरिटी होती है liter, तो एक लीटर में जीरो पॉइंट जीरो वन है मतलब जीरो पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब हमें तो एक मोल चाहिए तो लेफ्ट साइड को भी हंड्रेड राइट साइड को भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया और हमको वो वॉल्यूम मिल गया यही वी है उसको वहां पर डाल दी सॉल्व किया मिल गया आंसर एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर मोलार कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1.26 पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन टू द पावर टू पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल फुल स्टॉप इट्स मोलार इट्स इट्स मोलैरिटी इट्स मोलैरिटी इज जीरो पॉइंट जीरो वन फुलट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल बी इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल बी तो ये सवाल आपके सामने दिया गया आपको बोल रखा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज वन पॉइंट टू सिक्स टेन टू द पावर टू पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर बोल मतलब कि लैम्डा एम आपको दिया है 1.26 10 टू द पावर टू दिया हुआ है बाकी जो भी इसकी यूनिट है उसके बाद मोलरिटी कितने दी है 0.01 दिया है आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछा है मतलब आपसे क्या पूछा गया है यहां पर तो चलिए सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या बनेगा देखो लैम्डा एम इक्वल टू K into thousand divided by m है ना मतलब कि आपसे K K K पूछा है तो क्या बनेगा होगा m कितनी निकल के आएगी तो lambda की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 1.26 into 10 to the power minus 2 into 0.01 divided by thousand तो जीरो करने के बाद K बनेगा 1.26 टू 10 इंटू टेन पावर माइनस यूनिट्स ठीक है तो जो भी इसकी यूनिट्स होगी वो आप लोग कैलकुलेट करके लिख देंगे